बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि धनतेरस मनाया जाएगा तेईस तारीख को और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाईस तारीख को मनाया जाएगा देखिए जो त्रयोदशी तिथि है वो बाईस तारीख को शाम को छ बजकर के दो मिनट पे शुरू हो रही है त्रयोदशी तिथि बाईस तारीख को शाम को छह बज के दो मिनट पर शुरू हो रही है और ये तेईस तारीख को शाम को छह बजे समाप्त तो हो जाएगी अब इसमें एक समझने वाली बात आपके लिए ये है कि धनतेरस पर जो पूजा होती है या जो खरीदारी होती है वो होती है प्रदोष काल में और प्रदोष काल जो है वो आपको ज्यादा सही मिलेगा बाईस तारीख को शाम को क्योंकि 23 तारीख को शाम को प्रदोष काल लगभग 6 बजे तक समाप्त तो हो चुका होगा इसलिए जो पूजा शाम को चूंकि की जाती है पूजा ऐसे समय की जाती है जब रात्रि धनतेरस की हो और प्रदोष काल धनतेरस का हो ये दोनों ही संयोग आपको 22 तारीख को मिल रहे हैं इसलिए 22 तारीख को धनतेरस मनाना ज्यादा सही होगा जो लोग उदया तिथि का सिद्धांत मानते हैं कि सूर्योदय किस तिथि में उदय हो रहा है हम उसके हिसाब से मनाएंगे वो तेईस तारीख को मनाना चाहें तो मनाएं लेकिन तक, तकनीकी रूप से टेक्निकली जो पूजा होगी धनतेरस की या धनतेरस पर जो काम किए जाएंगे वो बाईस तारीख को ही किए जाएंगे शाम को छ बज के दो मिनट के बाद में इसीलिए हर हिसाब से और अगर हम दृक पंचांग की बात करें तो उसके हिसाब से भी 22 तारीख को धनतेरस मनाना ज़्यादा बेहतर होगा धनतेरस 22 तारीख की शाम को मनाइए